लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने अब तक केवल 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा अभी बाकी है। तय माना जा रहा था कि पार्टी 7 अप्रैल तक अपने बचे 4 प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी, लेकिन ऐसा न हो सका। कांग्रेस सूत्र बताते हैं कि पार्टी को आंतरिक कलह का डर है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अब तक 4 बचे उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। इस वक्त प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी झारखंड दौरे पर हैं। ऐसे में पार्टी नहीं चाहती कि प्रदेश प्रभारी के दौरे में किसी भी तरह का हंगामा हो। अब तक पार्टी ने खूंटी, हजारीबाग और लोहरदगा में प्रत्याशी दिए हैं। वहीं रांची, धनबाद, कोटा और छतरा में उम्मीदवार को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी को देखते हुए डरी सहमी है। वह फूक फूक कर कदम रख रही है। पार्टी को डर है कि कांग्रेस का एक खेमा टिकट नहीं मिलने पर विद्रोही तेवर अपना सकता है। वहीं दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। इसमें झारखंड के सीटों पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय चुनाव समिति में चर्चा के बाद भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हो सकी। केंद्रीय चुनाव समिति में अनुशंसा के बाद भी कई नाम सामने आए थे। प्रदेश के नेताओं से भी केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के नाम की चर्चा कर ली है। ऐसे में अब देखने वाली बात रहेगी कि कांग्रेस कब तक अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।